हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्रम केक की रेसिपी। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक 7 इंच स्प्रिंग फॉर्म पैन को पार्चमेंट पेपर के साथ लाइन करने वाली हूँ। पहले इसके बॉटम में थोड़ा सा बटर लगा लेंगे और पार्चमेंट पेपर को इसके ऊपर रख देंगे और फिर बटर से इसको पूरी तरह से साइड से भी ग्रीस कर लेंगे। अब चलिए केक के लिए क्रम टॉपिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए आधा कप मैदा। इसमें मिलाएंगे 1/4 कप चीनी और 4 टेबलस्पून बटर, ये रूम टेम्परेचर पे है। अब इन सबको हाथों से अच्छे से मिक्स करके इसका क्रम तैयार कर लेंगे। ये देखिए क्रम टॉपिंग तैयार है। तो चलिए अब हम केक बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 अंडे लिए हैं, ये छोटे साइज़ के हैं और जो रूम टेम्परेचर पे हैं। इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप चीनी और इसे हम अच्छे से विस्क करेंगे जब तक कि ये लाइट और फ्लफी ना हो जाए। अगर आप बड़े अंडे इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 काफ़ी होंगे इसके लिए। मैं इसे हाई स्पीड पे बीट कर रही हूँ। अब हम इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच वनीला एसेंस और इसे कंटिन्यू विस्क करते रहेंगे। आप इलेक्ट्रिक बीटर की जगह मिक्सर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉल्यूम इंक्रीज बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन आपका काम बन जाएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप वेजिटेबल ऑयल और ड्राई इंग्रेडिएंट्स में लेंगे 1 कप मैदा और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। इन दोनों को छान के इसमें मिला लेंगे। अब मैं इसे इलेक्ट्रिक बीटर से ही मिक्स करने वाली हूँ। बस ध्यान यही रखना है कि इसे लो स्पीड पे चलाना है और ओवर मिक्सिंग नहीं करना है। अब मैं इसमें 1/4 कप दूध ऐड कर रही हूँ और इसे जस्ट कंबाइन होने तक मिक्स कर लेंगे। इसी बीच मैंने अवन को प्री हीट होने के लिए रख दिया है। तो अब बस ये हो गया है, तो चलिए इसे बेक करने के लिए मोल्ड में डाल देते हैं। अब इस केक बैटर के ऊपर कुछ टॉपिंग्स भी जाने वाली हैं, तो इसके लिए मैं 1/2 कप जैम ले रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी जैम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा विस्क कर लेंगे ताकि ऊपर स्प्रेड करने में आसानी हो। और ये 1/2 कप सोख किए हुए मिक्स बेरीज हैं। ड्राई बेरीज में मैंने थोड़ा सा ऑरेंज जूस मिक्स करके इसको 24 घंटों के लिए सोख करने के लिए छोड़ दिया था, तो ये वही मिक्स बेरीज हैं। अब पहले हम केक बैटर के ऊपर जैम को स्प्रेड कर लेंगे। अब इसके ऊपर बेरीज को भी स्प्रेड करके डाल देंगे। आप इस केक को ड्राई बेरीज के बजाय फ्रेश बेरीज के साथ बना सकते हैं और बिना बेरीज के सिर्फ जैम के साथ भी ये बहुत बढ़िया बनती है। तो अब फाइनली तैयार क्रम टॉपिंग इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। तो चलिए अब इसे बेक करते हैं प्री हीटेड अवन में 180 डिग्री पे 45 से 50 मिनट के लिए। ये देखिए क्रम केक तैयार है और ये थोड़ा ठंडा भी हो गया है, तो चलिए इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। एंजॉय करें इस डिलीशियस क्रम केक को एक कप कॉफी या टी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर।